आखिर क्यों इस समुदाय के लोग जन्म से बच्चे के सिर पर बांध देते हैं कपड़ा, एक ऐसा पत्थर जिसे छूने से हो जाती है इंसान की मौत, लेकिन कैसे? और ब्लैक या ट्रांसपेरेंट क्यों होता है बाइक का हेडलाइट वाइजर? क्या आपने कभी देखा है लिक्विड 3 जो दो पेड़ों के बराबर देता है ऑक्सीजन? अगर नहीं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, एक महिला के लिए बच्चे को जन्म देना सबसे सुखद अनुभव होता है, जिसके लिए गर्भावस्था और डिलीवरी के दौरान महिला का खास ख्याल रखा जाता है। ऐसे में जोशी नामक 37 वर्षीय महिला ने समुद्र की लहरों के बीच बच्चे को जन्म देने का हैरतअंगेज कारनामा कर दिखाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जोशी ने प्रशांत महासागर में लहरों के बीच अपने 5वें बच्चे को जन्म दिया है, जबकि उन्होंने इस डिलीवरी को फ्री बर्थ नाम दिया है। जोशी का कहना है कि लहरों के बीच बच्चे को जन्म देना कम पीड़ादायक होता है, क्योंकि लहरें पीठ और कमर से टकराती हैं और इससे शरीर को सहज महसूस होता है। इसके साथ ही जोशी यह देखना चाहती थीं कि बिना मेडिकल हेल्प या औजारों के बच्चे को जन्म दिया जा सकता है या नहीं, जिसके लिए उन्होंने डिलीवरी के समय अस्पताल जाने के बजाय समुद्र किनारे बैठना ज्यादा बेहतर समझा। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि जोशी ने इस तरह की डिलीवरी के दौरान अपनी और बच्चे की जान खतरे में डाली है, क्योंकि इस बीच छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती थी। आपको बता दें कि इस साल 2018 में कैलिफोर्निया की रहने वाली एक महिला ने इसी तकनीकी से बच्चा पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका बच्चा मृत पैदा हुआ था। वहीं डॉक्टर्स इस तरह की डिलीवरी को महिला और बच्चे के लिए घातक मानते हैं, इसलिए महिलाओं को इस तरह की प्रक्रिया को फॉलो न करने की सलाह दी जाती है। हालांकि जोशी का डिलीवरी वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लाखों लोग देख चुके हैं। नंबर 2, किसी भी देश में ट्रैफिक समस्याओं से निपटने के लिए अलग अलग तरीके के उपाय किए जाते हैं, ताकि गाड़ी चलाने वाले लोगों के साथ साथ पैदल चलने वाले यात्रियों को समस्या का सामना न करना पड़े। ऐसे में अमेरिका, कनाडा, रूस और जापान जैसे देशों में बच्चों और बुजुर्गों को सड़क पार करवाने की जिम्मेदारी रोबोट्स को सौंपी गई है, जो बिजी सड़क में जरूरतमंद लोगों को सावधानी के साथ सड़क क्रॉस करने में मदद करते हैं। यह रोबोट्स सड़क किनारे रेड लाइट के पास खड़े होते हैं, जो सिग्नल रेड होने पर बुजुर्ग, बच्चों और बीमार लोगों को रोड की एक साइड से दूसरी साइड ले जाने का काम करते हैं। इसकी वजह से बिजी सड़क में बुजुर्ग और बच्चों को आर पार जाने में आसानी होती है, जबकि इसकी वजह से सड़क हादसों में भी काफी कमी आई है। इतना ही नहीं, इस एडवांस टेक्नोलॉजी को जल्द ही दूसरे देशों में लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें हमारे देश भारत का नाम भी शामिल है। नंबर 3, आमतौर पर पेड़ हवा को साफ करने और ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से विभिन्न देशों में पेड़ लगाने की मुहिम को बड़े स्तर पर प्रमोट किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी लिक्विड ट्री के बारे में सुना है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि सर्बिया के बेलग्रेड शहर में इन दिनों सड़कों पर लिक्विड ट्री देखने को मिलते हैं, जो कोई पेड़ नहीं बल्कि कांच से बना हुआ बॉक्स है, और इसे लिक्विड 3 के नाम से जाना जाता है। इस तरह के पेड़ को वैज्ञानिकों ने पानी और समुद्री एल्गी को एक साथ मिक्स करके बनाया है, जिसके तहत इस मिक्स को एक कांच के बॉक्स के अंदर भर दिया जाता है और फिर उस लिक्विड 3 को शहर की सड़कों व फुटपाथ पर इंस्टॉल कर दिया जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो यह लिक्विड 3 दो पेड़ों के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर भारी मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करता है, जबकि यह हवा में मौजूद पॉल्यूशन और गंदगी को भी काफी तेजी के साथ खत्म कर देता है। आपको बता दें कि बेलग्रेड की गिनती दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में की जाती है, जहां बहुत बड़ी मात्रा में कोयले का खनन होता है और इसकी वजह से शहर की हवा बहुत ज्यादा दूषित हो जाती है। इस पॉल्यूशन की वजह से हर साल 1,00,000 लोगों में से 175 लोगों की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से साल 2019 में वैज्ञानिकों ने इस शहर में लिक्विड ट्री लगाने का कॉन्सेप्ट शुरू किया था। इस लिक्विड 3 के पास बैठने के लिए बेंच भी मौजूद होती है, जबकि इसकी मदद से रात के समय सड़कों पर ग्रीन लाइट जलती रहती है। नंबर 4, बहुत से देशों में इंसान की शारीरिक खूबसूरती को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है, जिसकी वजह से आम लोगों को कुछ सख्त नियम कानूनों का पालन करना पड़ता है, ताकि उनका शरीर और चेहरा ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे। ऐसे में कांगो देश में रहने वाले मेंग बेतू समुदाय के लोग लंबे सिर को गौरव का प्रतीक मानते हैं, जिसकी वजह से इस समुदाय में जन्म लेने वाले बच्चे के सिर पर बचपन से ही एक कपड़ा बांध दिया जाता है। इस कपड़े को सिर पर इतना टाइट बांधा जाता है कि उसकी वजह से बच्चे का सिर ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है और उसका आकार काफी लंबा हो जाता है, जबकि इस लंबे सिर को मिंग बेतू समुदाय के लोग लिम्पैबू कहते हैं। इस समुदाय के लोगों का मानना है कि जिस व्यक्ति का सिर यानी खोपड़ी ज्यादा लंबी होती है, उसे समाज में उतना ही ज्यादा मान सम्मान प्राप्त होता है। मिंग बेतू समुदाय के लोग लंबे सिर वाले व्यक्ति को ज्यादा खूबसूरत और समझदार समझते हैं, जिसकी वजह से यहाँ शादी ब्याह से लेकर हर तरह के जरूरी काम में सिर के साइज की अहम भूमिका होती है। नंबर 5, आप में से बहुत से लोग बाइक चलाने के शौकीन होंगे, जिसके लुक को हेडलाइट वाइजर की मदद से कई गुना तक बेहतर बना दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हेडलाइट वाइजर हमेशा ट्रांसपेरेंट या फिर ब्लैक कलर का ही क्यों होता है?
जबकि मोटरसाइकिल मेकर्स के पास दूसरे कलर ऑप्शंस भी मौजूद होते हैं। दरअसल हेडलाइट वाइजर को लाइट के इफेक्ट को कम करने और बाइक को स्टाइलिश लुक देने के लिए लगाया जाता है, जो अक्सर बाइक के स्लिप होने पर आसानी से टूट जाता है। ऐसे में अगर कंपनी अलग अलग रंग के हेडलाइट वाइजर बनाएगी तो इससे मेकिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा और बाइक का दाम भी बढ़ाना पड़ेगा। वहीं ग्राहक के लिए रंगीन हेडलाइट वाइजर को बाजार में ढूंढना काफी मुश्किल हो सकता है, जबकि ट्रांसपेरेंट और ब्लैक रंग का हेडलाइट वाइजर आसानी से मिल जाता है और किसी भी बाइक पर लगाया जा सकता है। ऐसे में कंपनी और ग्राहक की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाइक के हेडलाइट वाइजर को ट्रांसपेरेंट या फिर ब्लैक रंग का ही बनाया जाता है, जो हेडलाइट की लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। वहीं हेडलाइट वाइजर किसी दूसरे या गहरे रंग का होगा तो उसकी वजह से हेडलाइट की लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी और वाहन चालक की आंखों में अपनी ही बाइक की रोशनी चुभने लगेगी, जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हेडलाइट वाइजर को ट्रांसपेरेंट या फिर ब्लैक रंग का बनाया जाता है। नंबर 6, भारत में विभिन्न त्योहारों के दौरान महिलाएं सजती संवरती हैं, जिससे उनकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा त्योहार भी मनाया जाता है जिसमें पुरुष महिलाओं की तरह सज धज कर तैयार होते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। केरल के कोल्लम जिले में हर साल चमिया विलक्कू नामक त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में गांव के पुरुष स्त्रियों की तरह साड़ी पहनकर और मेकअप करके देवी माँ के मंदिर में जाते हैं, जबकि वहाँ दिए और मशाल आदि जलाकर रोशनी के उत्सव को मनाया जाता है। इतना ही नहीं, इस त्योहार में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग भी मंदिर में सज धज कर देवी माँ की पूजा करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि स्त्री की वेशभूषा में पूजा करने से माँ प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मन की मुराद पूरी करती हैं। इस त्योहार को हर साल मार्च के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें कोल्लम जिले के गांवों में रहने वाले पुरुष हिस्सा लेते हैं। इतना ही नहीं, इस त्योहार के दौरान एक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें सबसे खूबसूरत ढंग से महिला के रूप में सजने वाले पुरुष को पुरस्कार भी दिया जाता है। नंबर 7, भारत में नवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें देवी माँ के 9 अलग अलग रूपों की उपासना की जाती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के बस्तर में हर साल दशहरा वाली नवरात्रि में 9 दिनों तक गड्ढे में बैठकर तपस्या करने की रस्म निभाई जाती है, जबकि इस दौरान तपस्या कर रही व्यक्ति को कुछ भी खाने पीने की इजाजत नहीं होती है। इस परंपरा को बस्तर के सिरासार भवन में पूरा किया जाता है, जो आज से 600 साल पुरानी परंपरा है। इस दौरान सिरासार भवन में गड्ढे के अंदर एक व्यक्ति बैठता है और वह अगले 9 दिनों तक निर्जल तपस्या करता है, ताकि दशहरा का महापर्व बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके। इस तपस्या को करने का अधिकार सिर्फ हलवा जाति के युवकों को होता है, क्योंकि इस परंपरा की शुरुआत इसी जाति से जुड़े एक युवक ने की थी। ऐसे में हर साल दशहरा पर्व से ठीक 9 दिन पहले युवक गड्ढे के अंदर बैठ जाता है और पूरे 9 दिन तक निर्जल तपस्या करता है, जिसके बाद 10वें दिन उसकी तपस्या पूरी होती है और फिर शहर में दशहरा धूमधाम से मनाया जाता है। नंबर 8, यूं तो दुनिया भर में कई लोग अनलकी चीजों और अपशगुन पर विश्वास करते हैं, जिसकी वजह से हर देश की अपनी मान्यताएं और प्रथाएं हैं। ऐसे में क्या आपने कभी किलिंग स्टोन के बारे में सुना है, जैसे छूने से इंसान की मौत हो जाती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि जापान की राजधानी टोक्यो शहर में स्थित तोचगी पहाड़ों पर सैशो सेकी नामक चट्टान मौजूद है, जिसे आमतौर पर किलिंग स्टोन के नाम से जाना जाता है। इस किलिंग स्टोन का जिक्र जापान की प्राचीन लोक कथाओं में मिलता है, जिसके मुताबिक 18वीं शताब्दी के दौरान जापान में एक दानव का आतंक हुआ करता था। ऐसे में उस दानव से छुटकारा पाने के लिए स्थानीय लोगों ने सैशो सेकी पत्थर की मदद ली थी और उसे कैद कर दिया था, जिसके बाद उस पत्थर को श्रापित माना जाने लगा था। जिन लोगों ने पत्थर की मदद से दानव को कैद किया था, उन्होंने आम लोगों को यह हिदायत दी थी, कोई भी गलती से उस पत्थर को ना छुए, वरना उसकी मौत हो जाएगी। यह खबर पूरे जापान में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद सैशो सेकी को किलिंग स्टोन के नाम से जाने जाने लगा। हालांकि पिछले कुछ सालों से किलिंग स्टोन जापान के पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहा है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से टोक्यो पहुंचते हैं। लेकिन साल 2022 में तेज बारिश की वजह से किलिंग स्टोन 2 टुकड़ों में टूट गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों को यह डर सताने लगा कि दानव कैद से रिहा हो गया है और इसी वजह से उन्होंने पहाड़ी पर आना बंद कर दिया। हालांकि विदेशी पर्यटकों के बीच किलिंग स्टोन काफी ज्यादा प्रचलित है, जबकि कई स्थानीय लोग भी इस पत्थर को देखना पसंद करते हैं, लेकिन कोई भी इस पत्थर को छूने का साहस नहीं दिखा पाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।